जय हिंद। श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग अकाडमी चेरनवाड़ी बेलगाम कर्नाटका टॉप वन अकाडमी। मेरे को इतना अच्छा खुशी लग रहा है कि मेरा गुरुजी इधर आया हुआ है, मेरे को सिखा हुआ है। सुधार कुंवर साहब है, दिलीप भोसले साहब है, सातार से मेरे को मिलने के लिए हुआ है और इनका स्टूडेंट को लेकर आया हुआ है। और सर मेरा वीडियो देखते रहता है, वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। नाशक में भी चक्र बटालियन के अकेडमी के स्टूडेंट ने इतना अच्छा अकेडमी का नाम ऊंचा लेकर गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम विजिट भी करेंगे और हमारा बच्चों को डालेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा है। इधर कोई भी बेलगाम यार हो, कोल्हापुर यार हो, मंगलूर यार हो, बेंगलुरु यार हो, पुणे यार हो, मुंबई यार हो, इतना स्टूडेंट जा रहे थे, इतना सिलेक्टेड हो रहा है। साफ बोलता है कि कारण क्या, इधर ट्रेनिंग हार्ड होता है। अभी इसका बारे में मेरा गुरुजी मेरे को सिखा हुआ है, कुंवर सर और भोसले साहब, और बहुत लंबे से सफ़र करके आया हुआ है। शाम हो गया है, सुबह निकला था। सुबह निकलने के बाद अभी आकर पहुंचे हुए, सिर्फ हमने चाय पानी किया हुआ है और साहब कुछ लंबे चाय तो दो तीन मिनट बात करेंगे और भोसले सर भी बात करेंगे। साहब प्लीज। राम राम। राम राम। आज श्री महालक्ष्मी आर्मी कमांडो कोचिंग एकेडमी, इसका हम नाम सुनते रहा, लेकिन आज हम समक्ष एकेडमी को भेंट देने के लिए बेलगाम पहुंचा है, क्योंकि हमने सुना है कि इस एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट भर्ती होके जाते हैं। इसलिए हमें एक साथ, मेरे साथ काफी दिन एक साथ रह के एक साथ मिलकर हमने काम किया हुआ है और उनके एकेडमी में एक हमारे दो लड़के उनके पास देने के लिए हम यहाँ आज पहुंचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि साहब ने जो चला हुआ एकेडमी, ये भारत में राज रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के भर्ती होके, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, आंध्रा का हो, यहाँ ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करके वो लड़का भर्ती होके चले जाता है। इसलिए मैं साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे अपना दो शब्द का भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू साहब, बहुत बढ़िया। श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग अकेडमी बेलगाम कर्नाटका महाराष्ट्र में टॉप वन होने का कारण इतना सारी भर्ती होकर जा रहा है। बेलगाम फौजी फैक्ट्री हो गया है, फेमस हो गया है, वो भी इनका कृपा और इनका कृपा, श्री महालक्ष्मी का कृपा, श्री आंजनेय का कृपा। जय बजरंगबली की जय। सर प्लीज बोलिए। नमस्कार। श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग एकेडमी बेलगाम, यहाँ हमारे संधि साहब, उन्होंने एक कोचिंग का काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। लोगों का भर्ती करने का काम बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इनका नाम काफ़ी पूरा महाराष्ट्र में तो हुआ है वो, लेकिन भारत देश में पूरा नाम हुआ है आर्मी कोचिंग क्लासेस का। और ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य, हम सब इतना पुण्य और सब के साथ प्रेम से इधर आने से सभी को बिल्कुल अच्छा बर्ताव, बिल्कुल रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलता है इधर। और लड़के आते हैं इधर बहुत खुश रहते हैं, आता है फोन इधर उधर बात करते हैं, हमारे से बहुत अच्छा लगता है आर्मी कमांडो इधर का। ओके, ऐसा ही चलना चाहिए और आगे बहुत आगे नाम बहुत बड़ा होना चाहिए और हमारा काम इतना, ये लड़के का काम तो पक्का होना चाहिए, इतना हमारा रिक्वेस्ट आता है। सर ने मेरे साथ बात किया, साहब ने मेरे साथ बात किया, सर ने बात किया। एक्चुअली श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग अकेडमी हार्ड ट्रेनिंग होता है, मेहनत होता है, मुश्किल वक्त इधर एक कमाए लगा हुआ है ऑलरेडी। एक गोली एक दुश्मन, मतलब एक गोली एक दुश्मन, इसके अंदर लिखा हुआ है मुश्किल वक्त कमांडो सर, और उधर लिखा हुआ है साहस की विजय, इधर लिखा है जितना रगड़ा
उतना तगड़ा, मतलब जितना रगड़ा उतना तगड़ा। उधर भी कहे सख्त काम सकता रहूं, पिटी का बुनियादी वसूल है सख्त काम सकता रहूं। इधर हार्ड ट्रेनिंग चलता है भाइयों, और इधर नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं चलता है, और नॉर्मल आदमी इधर यहाँ पे नहीं दिखता है। दूसरा दिन बिस्तर लेकर चला जाएगा, लेकिन हार्ड काम होता है। आप लोग मेहनत करिए, फौजी बनिए, भारत सेवा का सेवा करिए, लेकिन हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सभी को नॉर्मल आदमी को इधर टिकना मुश्किल है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जय हिंद, सभी को राम राम।